17 इन्हें याद है। हर बार इस बात को जरूर कहते हैं कि 2017 के पहले ये हुआ। इसका मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जन्म ही 2017 से हुआ है। उसके पहले न भारतीय जनता पार्टी थी न इनकी कभी सरकार रही है। मैं आज के मौके पर इस बात के लिए कल भी मैं सुन रहा था, जब जिला पंचायत के चुनाव की बात चल रही थी मुद्दा उठा, और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा मानवर कि वर्ष 1994 उस समय भी उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी बसपा के गठबंधन से, और जिला पंचायत का चुनाव हुआ था मानवर, और उस जिला पंचायत के चुनाव में जो हुआ उस समय भी लखनऊ में जो एक जिला पंचायत सदस्य थी महिला, उनको जहां लखनऊ की राजधानी में पूरी सरकार बैठती है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठते हैं, और वो महिला को अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद पूरा जिला पंचायत का चुनाव हाईजैक हो गया। इस बात को जब सभी दलों के लोगों ने उस समय, भारतीय जनता पार्टी भी थी, कांग्रेस पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट भी उस समय एक दो हमारे साथी थे, सबने हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्र संस्थापक मसीहा मानवर कांशीराम साहब, परम सम्माननीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी से इस घटना के बारे में कहा, और उस सरकार को कि अब तो जीना दूभर है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसलिए इस सरकार से समर्थन वापस लिया जाए और ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में आए जिस सरकार में आम जनमानस का जीना निश्चित हो सके, उसको मानवीय अधिकार मिल सके। मानवर इसी बात पर मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये जो मुद्दा है आज का, ये पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गुंडा राज कायम है, बड़े पैमाने पर जंगल राज कायम है। उस समय जो सरकार बाहर हुई और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने, जो लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं, कोई कह देता हम इससे मिले हैं, जब भी सही बात रखी जाती है, उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज की, गुंडा राज की सरकार को बाहर किया गया और उत्तर प्रदेश में कानून से कानून का राज स्थापित करने के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश में नई सरकार ने शपथ ली मानवर, और उस दिन से पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 1,10,000 छठे छटाए गुंडे माफियाओं को जेल की सलाखों के अंदर डाला गया, और उस समय ये पूरे उत्तर प्रदेश में साबित हो गया कि अगर कोई कानून का राज स्थापित कर सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी स्थापित कर सकती हैं। ये बात उस समय साबित हो गई मानवर। उसके बाद जब मैं कल सुन रहा था जिला पंचायत के चुनाव में, वही उसी तरह का एक हमारी बहन, उसका जब वो पर्चा दाखिल करने जा रही थी तो टीवी पर देख रहे, तो मुझे याद आ गया कि ये 94 मतलब फिर तो आ गया वापस, और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जंगल राज कायम हो गया। इसका मतलब ये चाहे भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है और इस आशा भरी निगाह से देख रही है कि जो लोग 94 में, उसके बाद की भी हम एक घटना बताएंगे, 2004 में मानवर में 2004 में इटावा जिले में बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष था और मैं एक विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी था, तो पंचायत का चुनाव था तो महिवा ब्लॉक प्रमुख का पर्चा भरने के लिए हमारे लोग बैठे, तो उसी समय एक पार्टी के जिनकी उस समय सरकार थी बड़े बड़े नेता आए, जिसमें सांसद भी थे, विधायक भी थे और उनके पदाधिकारी भी थे, आकर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पार्क बकेवर में जहां मैं बैठा था अपने कार्यकर्ताओं के साथ ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, कम से कम 20-30 राउंड गोलियां चलाई,
और जब गोली चलाई तो मैंने एसपी को डीआईजी को जब फोन किया तो जब वो एडिशनल एसपी और सीओ को मौके पर भेजा तो जो वो गोली चलाने के जो खोखे वहां पड़े थे उनको उठाकर उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया कि हमने गोली चलाई। मतलब ये तो पता चलता है कि किधर से गोली चल रही है और कहां खोखे गिरेंगे उसके। इस तरह की भी सरकार हमने उस समय देखी 2004 में, और 2004 से लेकर 2007 में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गुंडा राज कायम था, और उस गुंडा राज को खत्म करने के लिए जब उत्तर प्रदेश में 2007 में चुनाव हुआ तो उस समय भी मानवर 2007 में उस गुंडा राज की सरकार को बाहर करके उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत का 17 साल बाद उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में जो अल्पमत की सरकारें बनती थी उनका समय समाप्त किया मानवर। उसके बाद फिर सरकार 12 में, जो लोग कहते हैं कि इधर तो भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने भरोसा किया मानवर, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई ये सपना दिखाकर कि हम उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देंगे, हम कानून का राज देंगे, हम विकास देंगे, हम ईमानदारी का शासन देंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम रोजगार देंगे, इन सारे वादों के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई मानवर। लेकिन आज मैं जिस घटना के बारे में कहना चाह रहा हूं मानवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में, और आज का मानवर शर्मसार तो हम लोग तब हो जाते हैं इस सदन के अंदर, ये सदन उच्च सदन है उत्तर प्रदेश का, लेकिन इसके बारे में आज मानवर जो प्रयागराज का जो हमारा माननीय जो हाई कोर्ट है मानवर, हाई कोर्ट के मानवर जो वहां के जो जज हैं माननीय, उनकी टिप्पणी है मानवर, और वो इसमें मानवर बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्चियों के साथ बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है मानवर। कहा है ऐसे जघन्य अपराध पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने 13 साल की 5वीं कक्षा की छात्रा से दुराचार के आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया, और मानवर कहा कि कोर्ट ने कहा ऐसे जघन्य कृत्यों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए गए तो न्याय तंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। यह मानवर जो हमारे माननीय संजय कुमार सिंह जी हैं जो न्यायमूर्ति हैं मानवर, उन्होंने अम्बेडकर जी समाप्त करिए मानवर, ये मानवर हाईकोर्ट को कहना पड़ा, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए ये आईना है हाईकोर्ट का कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो हमारी बच्चियां हैं मानवर, जो उम्र जिनको पता भी नहीं है, नाबालिग बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। और मानो सबसे बड़ी बात क्या है मानवर, सबसे बड़ी बात दूसरी मैं एक जरा सी घटना का, माननीय दिनेश चंद्रा जी एक जगह जब हमारे जो मजदूर होने जा रहे हैं, बस एक मिनट मानवर, मैं बिल्कुल ज्यादा मानवर एक मिनट मानवर मैं एक मिनट ज्यादा नहीं बोलूंगा मानवर, ये तो हम रोकेंगे भी नहीं मानवर, एक मिनट मानवर, ये तब ये पूरी जो व्यवस्था है इस पर प्रश्न चिन्ह मानवर कब लगता है मानवर। एक दूसरी घटना ललितपुर में मजदूरी मांगने, पहले तो मजदूरी की दलित समाज के जो दो व्यक्ति थे, जब वो मजदूरी मांगने गए तो प्रधान और उनके साथ 5-6 लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया मानवर, और इसके बाद जब वो थाने गए तो थाना जो 12 के जो बार के जो इंचार्ज थे, मानवर इसमें जो लिखा है उससे तो बड़ा शर्म से झुक जाता है कि थाना इंचार्ज ने जो हमारी बहन जो शिकायत करने गई थाने में तो उसको मारा पीटा ही नहीं, वरन इसमें तो लिखा है उसको पेशाब भी पिलाई। मानवर इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि सरकार गुंडों माफियाओं को तो संरक्षण दे ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है मानवर, जो थाने के इंचार्ज हैं, जो मानवर जो सीओ हैं, जो मानवर एसपी हैं, वो भी उनसे अपराधियों से मिले हैं, सरकार उनको संरक्षण देती है, वो भी
जो पीड़ित है उसके साथ न खड़े होकर उसके साथ भी अपमानजनक अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको दबाने का प्रयास करते हैं और गुंडों माफियाओं को संरक्षण देते हैं। मानवर ऐसी घटनाओं पर मैं चर्चा कराए जाने की, सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।